जी, क्या ये इज इट एनफ? 9,000 लोगों की तो जाने जा चुकी है। और मैं अभी पिछले दिनों जब मैं न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ रहा था तो वहां टॉमस फ्रिडमैन का एक आर्टिकल है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के ऊपर जब 26/11 का बॉम्बे में हमला हुआ और भारत ने जिस तरीके से उसको टैकल करने की कोशिश की है वो बिल्कुल अलग तरीके की थी। बोले आतंकवाद से लड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप आतंक उसी तरीके के वायलेंस करिए, आतंकवाद की जड़ पर भारत ने हमला करने की कोशिश की और उसको काफी हद तक वो कामयाब रहे। यहां जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल अलग तरीके का है। और एक बात और, जो टॉमस फ्रीडम और बहुत सारे ऐसे जो कॉलमनिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये दरअसल ये ज्यूज सुप्रीमेसिस्ट हैं, इसका बार बार शब्द का इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं। मेरा प्रश्न इस बात को लेकर ये है कि ज्यूज सुप्रीमेसिस्ट हो या ना हो एक अलग तरीके का प्रश्न है, बट जो वेस्टर्न कंट्रीज है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूके हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, ये सब लोग होने दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत हैरानी की बात है। और ये वो सारे देश है जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करते हैं। मयंक जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमको ये तय करना पड़ेगा कि बदले की इंतहा की व्याख्या क्या, कहां तक ये आप उसको लेके जाएंगे कि यहां तक हमारा बदला खत्म हो जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे, ये पहले ये सवाल मैं उठाना चाहूंगा। आपने ये भी जिक्र किया था कि अब तक इतनी चुप्पी क्यों बनी हुई। मेरे हिसाब से इसकी एक वजह यह है कि बच्चे जो होते हैं उनकी कोई पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती। बच्चों की जिंदगी की कीमत राजनीति में बहुत ही कम होती है, तो जब तक वो मर रहे हैं उन किसी को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, एक मर गया या 3500 मर गए, दुख बात तो दुख की है ना। मेरे हिसाब से इवन वन इज टू मेनी। अब 3500 कह लीजिए, 3700 कह लीजिए, 9000 कह लीजिए, सब आंकड़े हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। हम जिस तरह से डिसेंसिटाइज हो गए ह्यूमन डेथ को लेके, ये जो मूलभूत बातें ना हम भूल गए हैं। इस किसी भी जंग की बात कर लीजिए, यूक्रेन की कर लीजिए या यहाँ की कर लीजिए। तो मैं थोड़ा maybe I sound a bit philosophical, but I think we need to look at slightly deeper issues involved in any war. हम जो स्ट्रेटेजिक बातें करते हैं कि अब जॉर्डन ने ये कर दिया या बोलिविया ने ये कर दिया, वो सब ठीक है, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ा है। नेतन्याहू बिल्कुल वही कर रहे हैं जो उनको करना है, वो करते रहेंगे जब तक उनको लगता है कि ये बात, मेरा बदला जो है, मेरी भड़ास जो है वो निकल गई है। उनको भी पता नहीं है कि मेरे बदले की इंतहा कहाँ है, वो ऐसे ही। अब देखिए, मैं एक दो आपको आंकड़े बताना चाहूंगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स हैड अ स्टोरी, सैटेलाइट इमेजरी अगर आप देखें नॉर्दर्न गाजा की, करीब करीब 30% उनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो बिल्कुल ही खत्म होगी। अब देखिए, ये हमास तो खत्म होगी नहीं होगी किसी को नहीं पता है, ये खत्म होगी ये बात। अब जब ये जंग रुकेगी, ये सब कब वापस आएगा फिलिस्तीनियों के लिए? कभी नहीं आएगा ये वापस, ये तो ऐसे ही रहेगा, जैसे खंडर बना है वैसे ही बना रहेगा। आप देखिए सीरिया में देखिए या इराक में देखिए, ये खंडर बस बने रहते हैं सालों दर सालों दर सालों, किसी को कोई इस बात की परवाह नहीं है। आपने कहा बाइडन वगैरह क्यों पॉज की बात नहीं करिए, सीधा सीधा मेरे हिसाब से उनके नजरिए में वेस्टर्न लाइफ और इन अ सेंस वाइट लाइफ इज डेफिनेटली मोर worthy than the rest of the world. वो बिल्कुल वो कहेंगे नहीं, क्योंकि वो कह नहीं सकते। लेकिन अगर आप एक इजरायली सोल्जर के बदले आप 5,000 का हिसाब लगा रहे हैं, तो ये कैसे चलेगा? देखिए, ये तो जैसे हिंदुस्तान में भी कभी कभी, इस भारत में भी कभी राइट्स के दौरान बातें होती थी कि वो एक मारेंगे हम 10 मारेंगे, ये तो यही हिसाब हो गया ना। 1400 यहां मरे, अब यहां 10,000 मर रहे, ये कब तक चलता रहेगा? सो आई थिंक वी नीड टू लुक एट दीज इश्यूज लिटिल मोर इन लिटिल मोर डेप्थ देन जस्ट द सरफेस दैट वी ऑफ्टन टॉक अबाउट। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।